इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ओडिशा के केंदुझर जिले में सन 2011 में भूवैज्ञानिकों को ग्रेनाइट चट्टानों में जिरकॉन के दाने फंसे हुए मिले थे। फोरेंसिक जांच से पता चला था कि वह दाने 4.24 बिलियन वर्ष पुराने हैं। इससे पहले सिर्फ एक बार इनसे भी पुराने जिरकॉन के दाने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल्स में मिले थे, जो 4.4 बिलियन वर्ष पुराने थे। ठीक जिरकॉन के इन दानों की तरह भारत अन्य खनिज पदार्थों का घर है। इन्हीं की वजह से हमें धरती की शुरुआती स्थितियों का पता चलता है। लेकिन इस बारे में ज्यादा जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि खनिज वास्तव में होते क्या हैं? खनिजों और चट्टानों में फर्क क्या होते हैं? एमएलएस यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड भूवैज्ञानिक प्रोफेसर पुष्पेंद्र रनावत हमें बताते हैं। देखिए, मिनरल इज अ नेचुरल कंपाउंड विथ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये प्राकृतिक चीज है, जैसे कि डायमंड। डायमंड का फिक्स्ड कंपोजिशन होगा कार्बन, चाहे वो रशिया में बने या इंडिया में बने या साउथ अफ्रीका में बने, इनका कंपोजिशन फिक्स्ड रहेगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी फिक्स रहेगा कि वो क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होगा, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स एटम्स वगैरह है उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी फिक्स्ड होगा। तो ये तो हुआ मिनरल। एंड व्हेन सम ऑफ द मिनरल्स कंबाइन टुगेदर दे आर नोन एज रॉक, जैसे कि ग्रेनाइट हुआ। तो ग्रेनाइट में मिनरल क्या है? क्वार्ट्ज, फेल्सपार। तो क्वार्ट्ज और फेल्सपार मिनरल हुए, उनका फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन है। जैसे क्वार्ट्ज SiO2 होगा, पर्टिकुलर सिस्टम में क्रिस्टलाइज होगा वगैरह, उसका फिक्स्ड कंपोजिशन है। ऐसा ही फेल्सपार, माइका। तो एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स विल बी अ रॉक। मिनरल्स की कुछ डेटिंग टेक्निक्स हैं। अगर वो मिनरल्स उस कैटेगरी में आते हों, आज की रिसर्च और अनुसंधान के हिसाब से जो हमें ज्ञात है, अगर हम उनकी डेटिंग कर सकते हैं तो डेट हो सकता है। उनमें इंक्लूजन्स होते हैं, जैसे कि रॉक जब भी बनी उस समय जो उसका जो पदार्थ था वो उसके छोटे से अंदर रह जाता है। अगर वो मोल्टन फॉर्म में था तो मेल्ट इंक्लूजन्स रहेंगे उसके। अगर वो एक्वस फेज या पानी से बना हो, जैसे कि एग्जाम्पल लेमेंस एग्जाम्पल, जैसे मिश्री बोल लो, मिश्री कैसे बनती है कि चाशनी, शक्कर घोल दो पानी में, एक धागा डाल दो, वो उस पर क्रिस्टलाइज होंगे, क्रिस्टलाइज होके धीरे धीरे बनते हैं। कई बार मिनरल्स भी ऐसे बनते हैं। तो ऐसे मिनरल्स जो बनेंगे उसके अंदर जो छोटे बहुत इंक्लूजन्स बनते हैं, दे टेल अस लॉट अबाउट इट्स ओरिजिन, ओरिजिनल प्रेशर, टेम्परेचर, कंपोजिशन, कंपोनेंट्स जो होते हैं। तो आपने सुना होगा जैसे कि एमरल्ड है, डायमंड है, कि साहब ये फ्लॉलेस होने चाहिए। फ्लॉलेस मतलब उनमें वो इंक्लूजन्स नहीं होने चाहिए, और अगर इंक्लूजन्स है तो उससे फायदा भी है, हम उसके बारे में ज्ञात कर सकते हैं, लोकेशन भी बता सकते हैं। जैसे कि एमरल्ड है, राजस्थान के एमरल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड और एक्वस फेज H2O फेज मिलेगा, लेकिन ब्राजील का जो एमरल्ड है उसके अंदर पानी और नमक मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि आदमी अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से खनिजों का उपयोग करता है, और हम में से अधिकांश को इसके बारे में पता भी नहीं है। सबसे पहले तो अगर मिनरल, ये इट इज रियली आयरोनिक, विडंबनाई कह दीजिए, कि हर आदमी रोज कुछ न कुछ मिनरल से हर समय काम में लेता है, लेकिन उसके बारे में वो बिल्कुल अवेयर नहीं है। जैसे हम खाना बनाते हैं, लोहे का तवा है, तो लोहा इज अ नेचुरल रिसोर्स,
गाड़ी में घूम रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, तो सैंड, सीमेंट, स्टोन्स वगैरह सब ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उससे बने हुए हैं। हर खनिज की एक खास रासायनिक बनावट होती है और हर खनिज एक खास स्थिति में बनता है। इन्हीं चीजों से भूविज्ञानिकों को धरती की पुरानी आबोहवा, जीवन और इसकी सतह पर हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। भूविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के अलावा भारत के पास आर्थिक रूप से अहम खनिजों का बहुत पुराना इतिहास रहा है। बड़े भूभाग हैं जैसे यूएसए हुआ, चाइना हुआ, रशिया हुआ, इनके पास बहुत खनिज संपदा है, मिनरल वेल्थ है। इसी तरह भारत में भी बहुत अच्छी मिनरल वेल्थ है, दैट इज वैरायटी ऑफ मिनरल्स। हमारे पास लोहा है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम का, मैंगनीज, सिल्वर, जिंक, लेड, सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन आयरन, एल्यूमिनियम तो इतना है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, मैंगनीज, क्रोमाइट वगैरह। तो ये जो मिनरल संपदा है ये हमारे सोसाइटी और देश के इकोनॉमिक्स पे बहुत प्रभाव डालती है। आज आपके पास, किसी देश के पास कितनी संपदा है उससे उसकी शक्ति परीक्षण होती है, और इसका प्रोडक्शन भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। जैसा मैंने कहा, कोई देश सेल्फ सफिशिएंट तो है नहीं। हमारे यहाँ जो एक चीज है, जैसे हमारे यहाँ जिंक बनता था, तो जिंक मिलता था, तो उस जिंक को दूसरे लोगों के यहाँ नहीं था, तो वो यहाँ से इंपोर्ट करते थे, उसके एक्सचेंज में अपन को सोना या चांदी देते थे, तो अपनी वेल्थ बढ़ी। इस तरह से जो मिनरल, ग्लोबल मिनरल ट्रेडिंग हुआ, आज से नहीं है, 2000 साल से चल रहा है, इसकी वजह से देश की इकोनॉमी काफी बड़ी हो गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। वो सोने की चिड़िया क्यों था? यहाँ पर हमारे पास खनिज संपदा बहुत थी और वो सारा मिनरल प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट एंड गेटिंग रेवेन्यू आउट ऑफ इट। तो 1600 तक भी आप देख लीजिए, मेटेलिक मिनरल्स जो है वो आदमी को सबसे पहले, इवन द एज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन आप देखेंगे तो चैल्कोलिथिक एज, आयरन एज, न्यूक्लियर एज, ये सारे मिनरल बेस्ड है। तो सबसे पहले जो कॉपर पाया गया, तो कॉपर नेटिव था लेकिन बहुत सॉफ्ट था, उसके इम्प्लीमेंट्स नहीं बनते थे, तो उसके लिए इनका ब्लेंडिंग चालू हुआ कि भाई एलॉय बनाओ, इसमें कुछ डालो ताकि ये सख्त हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ पुराने शास्त्रों में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि भाई मिनरल्स, जैसे चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें मेंशन्ड है कि मिनरल्स का महत्व क्या है, उनको कैसे खोजा जाना चाहिए और उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, और वो राज्य के इकोनॉमी और प्रॉस्पेरिटी पे उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारा बता रखा है। तो हमें कम से कम 2000 साल पुराने हैं माइनिंग के, एंशिएंट माइनिंग एक्टिविटी भारतवर्ष में जगह जगह मिलती है, चाहे लोहे के हो, लेड जिंक के हो, कॉपर के हो। और ये उस जमाने में भी, जैसे स्पाइस रूट है, सिल्क रूट है, ऐसे मेटल रूट्स थे, ट्रेडिंग रूट्स, तो यहाँ से मेटल्स जाते थे और बाहर से आते थे। जैसे अपने यहाँ जिंक था, लेड था, आयरन था, लेकिन टिन नहीं था। यूरोप में टिन था, उनके पास कॉपर था, लेकिन जिंक नहीं था, तो हम टिन यहाँ इंपोर्ट करते थे और जिंक वहां एक्सपोर्ट करते थे। तो कॉपर के अंदर ये जिंक और टिन मिलाया गया, इससे एलॉय बना। जैसे कॉपर एंड टिन एलॉय ब्रॉन्ज होता है, तो जैसे ये ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज एज वगैरह जो सारा है, क्योंकि कॉपर इटसेल्फ अपने आप में काफी सॉफ्ट नरम होता है, तो उसके इम्प्लीमेंट्स अच्छे नहीं बनते, उसमें अगर थोड़ा टिन डालें, तो ये उस टाइम की रिसर्च थी और डेवलप किया उन्होंने, तो ये सारा बन के नई चीज बनी। इसी तरह ब्रास बनी, तो ब्रास का अपने यहाँ कॉपर के साथ मिलाया,
और कॉपर मिलाने से क्या ब्रास की पिघल के ढलाई बहुत बढ़िया होती है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटल्स ने तो ये माना है कि भाई भारत का जिंक हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत उपयोगी रहा था, क्योंकि छोटी छोटी मशीनें जो शुरू में बनती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो सारी ब्रास की बनती है, और वो ब्रास बनने के लिए ब्रास आपको आना चाहिए और वो ब्रास के लिए आपको जिंक यहाँ से जाना चाहिए। तो ये सारी जो इंटरडिपेंडेंस और ये था, और ये काफी वर्षों से चल रहा है, इनका भी कार्बन डेटिंग हो रखा है माइनिंग का, मेटलर्जी का वगैरह, तो इन सब में जो उस टाइम के काम में आते थे इम्प्लीमेंट्स उनकी डेटिंग करके और पता लगाया जा चुका है कि भाई आज से कम 2-3 हजार वर्ष पूर्व हमारे यहाँ काफी अच्छी माइनिंग, मेटलर्जी और ग्लोबल ट्रेडिंग होती थी। प्रोडक्शन और मेटलर्जी और दुनिया में सबसे पहले जिंक स्मेल्टिंग जो होता था वो यहाँ जावर में हुआ था, इसलिए एक तरह से मोनोपोली थी इसकी कि भाई जिंक दुनिया में कहीं से भी जाएगा तो वो भारत से जाएगा, और भारत में कहीं से जाएगा तो वो जावर या इसके आसपास की दूसरी है वहां पर भी टेक्नोलॉजी वही एडॉप्ट की गई। तो जावर का अपना अलग महत्व है। गोलकुंडा में अपने यहाँ जो खनिज बनते हैं ना उसमें एक प्लेसर डिपॉजिट होता है। प्लेसर डिपॉजिट मतलब कि नेचुरल प्रोसेस से रॉक कटती है और नदी में हार्ड मटेरियल जो होता है वो नेचुरली कंसंट्रेट हो जाता है, ओरिजिनली कंसंट्रेटेड नहीं है। ओरिजिनली तो जैसे बिखरा हुआ, जैसे प्लम इन केक्स हैं, बिखरे हुए हैं। अब आप सब काजू पिस्ता को एक साथ करके किसी को दे दो तो वो बढ़िया है। तो गोलकुंडा या प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट या पन्ना, यहाँ पर यह हुआ था कि यहाँ पर जो ओरिजिनल रॉक थी उसमें डायमंड्स बिखरे हुए थे छोटे छोटे अलग अलग जगह, उसको नेचुरल प्रोसेस से नदी में बह के वहां कंसंट्रेट हो गए, उनको प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो आदमी आप नदी में जाओ वहां पर आपको हीरे बिखरे हुए मिलेंगे, यू हैव टू जस्ट पिक अप एंड कलेक्ट। तो वो हमारे यहाँ की संपदा का खास हिस्सा हो गया था। आपने सुना होगा जैसे कैलिफोर्निया गोल्ड रश, वहां क्या था, सोने के नगेट्स बनते थे किलो किलो भर के। वो ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड रश हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, अलास्का में हुआ, मेक्सिको में हुआ, पेरू में हुआ, रशिया में हुआ। ऐसे दुनिया भर में ऐसे प्लेसर डिपॉजिट्स बनते हैं, ऐसे भारत में भी थे। और भारत में जैसा कि वहाँ दूसरे देशों में 50-60 साल में वो प्लेसर डिपॉजिट्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो सब सरफेस पे हैं, लोग बाग इकट्ठा किया और लेके चले गए। ये का ये भारत में सोने की चिड़िया इसीलिए कहलाता था कि हमारे यहाँ प्लेसर गोल्ड्स भी थे। तो गोल्ड के नगेट यों की यों वेब पे आप देख सकते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सारे भारत के नक्शे में कहाँ कहाँ पोटेंशियल फॉर्मर गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, जैसे स्वर्ण रेखा सबने नाम सुना होगा। तो ऐसे राजस्थान में भी हमारे उदयपुर साउथ में बांसवाड़ा है जगह, वहां पर गोल्ड डिपॉजिट है। तो ये इनको जो ओरिजिनल रॉक जिनमें से ये निकाले जाते हैं उनको मदर लोड बोलते हैं, वो बहुत पुअर ग्रेड के होते हैं, लेकिन नेचुरली जो प्रोसेस होके प्लेसर बने वो 150-200 साल में खत्म हो जाते हैं। तो वो जो सोना था वो हमारी खास संपदा था, और उसी में हमारे जैसे हीरे जो थे गोलकुंडा और पन्ना के जो थे वो फेमस थे। ऐसे कैसे डिपॉजिट्स कोलार में है, पट्टी वगैरह जो गोल्ड डिपॉजिट है कर्नाटक में आसपास। दिलचस्प बात ये है कि इन्हीं खानों की वजह से भारत के कई बड़े राजवंशों को फलने फूलने के मौके मिले थे। कोलार खाने चोल राजवंश का हिस्सा हुआ करती थी। इसी तरह गोलकुंडा के खानों ने कोहिनूर और दरियाए नूर जैसे दुनिया के सबसे बड़े हीरे दिए थे। सच ये है कि इन खानों की वजह से ही विदेशी हमलावरों की नजरें भारत पर पड़ी थी।